आपने अब तक देखा था कि लिन फेंग को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी ग्रीन कलर का लाइट दिखता है। देख कर लिन फेंग कहता है कि मुझे अब पता चल गया क्यों मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही थी। मिस्टीरियस लाइट मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा है और मेरी स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। फिर लिन फेंग कहता है कि ये मिस्टीरियस लाइट तो उस मिस्टीरियस लड़की ने डाला था मेरे शरीर में और मुझे तो पता ही नहीं ये चीज है क्या। प्रिया कहकर वो सो जाता है। मिस्टीरियस लाइट एक छोटा सा पौधा बन जाता है और ये देखकर लिन फेंग थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। ये देखकर लिन फेंग कहते हैं कि ये है क्या और उसे निकालने की कोशिश करता है पर वो पौधा नहीं निकलता है और उस दर से आवाज आती है कि मुझे मत निकालो, मुझे दर्द हो रहा है। लिन फेंग कहते हैं कि कौन बोल रहा है। फिर वो छोटा सा पौधा लिन फेंग के सर से बाहर निकलता है और कहते हैं कि मैं हूँ, हम इसे बेबी प्लांट कहेंगे। फिर लिन फेंग कहते हैं कि तू मेरे सर पे क्या कर रहा है, तू जल्द से जल्द नीचे उतर। तो बेबी प्लांट कहते हैं कि अगर आप मुझे जबरदस्ती खींचोगे नहीं तो ही मैं बाहर आऊंगा। तो लिन फेंग कहते हैं कि हाँ मैं नहीं खींचूंगा तुझे। और लिन फेंग पूछते है कि तू है क्या। लिटिल प्लांट कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या हूँ। लिन फेंग कहता है कि क्या तू मेरे सर से उतर सकती है क्योंकि मैं तुझे अपने सर पे लेके घूम नहीं सकता हूँ। तो लिटिल प्लांट कहती है कि अगर मैं आपके सर से उतर जाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं उतर नहीं सकती। तो लिन फेंग कहता है कि अगर तू मेरे सर पे रहेगी तो सभी लोग मुझे मॉन्स्टर समझने लगेंगे। लिटिल प्लांट कहता है कि मैं आपके सर के अंदर चुप जाऊंगी जिससे कोई मुझे देख ना सके। तो लिन फेंग कहता है ठीक है, पर तू मेरे सर पे कैसे आई। तो लिटिल प्लांट कहती है कि मुझे भी नहीं पता। लिटिल प्लांट बताती है कि मैं दूसरे प्लांट से बात कर सकती हूँ और यहीं पे बैठे बैठे पूरी दुनिया दिखा सकती हूँ और अपनी पावर से वो दिखाने लगती है। तभी लिन फेंग गलती से यूफेई का घर देखने लगता है और वहाँ पे यूफेई सोई रहती है। तो लिन फेंग बोलते है गलती से देख लिया मैंने। फिर लिन फेंग अपने आप से कहता है कि चलो अब देखते शायु क्या कर रहा है। फिर हमें शायु को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है और ये देख कर लिन फेंग कहता है कि इतनी रात को भी ये कल्टीवेशन कर रहा है। तभी अचानक से लिन फेंग का बाहरी दुनिया से कनेक्शन टूट जाता है। तो ये देख कर लिन फेंग लिटिल प्लांट से पूछते है कि ये क्या हुआ। लिटिल प्लांट बताती है कि मेरे को बाहरी दुनिया से कनेक्शन बनाने के लिए एनर्जी लगता है और मेरी एनर्जी सारी खत्म हो गई है। लिन फेंग पूछते है कि तुझे एनर्जी देने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे। तो फिर लिटिल ग्रास कहती है कि मैं एक स्पिरिचुअल ग्रास हूँ और इसलिए मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करती हूँ। ये सुनकर लिन फेंग कहता है कि अच्छा, इस वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो रही थी। फिर लिटिल प्लांट कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जन्म लेने के लिए तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी लेनी पड़ी। तो लिन फेंग बोलता है चल ठीक है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है। लिन फेंग नोटिस करता है कि वो कुछ ज्यादा ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पा रहा है पर लिन फेंग को समझ नहीं आता कि ये हो कैसे रहा है। तो लिटिल प्लांट कहती है कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने की ताकत को 10 times इंक्रीज कर सकती हूँ बाकी सभी इंसानों के बराबर। फिर लिन फेंग लिटिल प्लांट को कहता है कि इसका क्या फायदा, आखिरकार तुम मेरी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा जाती हो। तो लिटिल प्लांट कहती है कि मुझे माफ करो, मैं कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे लिए भी रख दूंगी। हमें दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गया रहता है और वहां पे देखता है कि उधर कुछ लिखा हुआ रहता है। तो लिन फेंग उसको पढ़ने की कोशिश करता है तो लिन फेंग समझ जाता है ये मेरी कल्टीवेशन टेक्निक है और वहीं पे बैठ के वो कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। फिर लिन फेंग देखता है कि उसकी स्पिरिचुअल सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है और कुछ समय बाद वो स्पिरिचुअल सोल लिन फेंग के बॉडी में अटैच हो जाती है। ये देखकर लिन फेंग को बहुत अच्छा लगता है और वो सो जाता है। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन फेंग को कोई बुला रहा होता है। अभी हमको पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो शॉमिंग होता है। फिर दिखाया जाता है कि यूफेई उन लोग को रोक रही होती है और कहती है कि अगर तुम लोग लिन फेंग को परेशान करोगे तो मैं ये बात टीचर लिन ताओ को बता दूंगी। तो ये सुनकर शॉमिंग यूफेई को कहता है कि तू अपने काम से मतलब रख। फिर शॉमिंग कहता है कि आज मैं लिन फेंग से अपना बदला लेने आया हूँ और बताता है कि मैं मोरो रिफाइनिंग स्टेज पे पहुँच गया हूँ। और लिन फेंग को कहता है कि अगर तू मुझसे डर गया है तो तू घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांग तो मैं तुझे जाने दूंगा। तभी लिन फेंग घर से बाहर निकलता है और कहता है कि तू मुझसे लड़ना चाहता है, चल
लड़ते हैं। तो ये सुनकर शॉमिंग बोलता है कि आज तो तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगा। फिर शॉमिंग लिनफेंग पे हमला करता है, पर लिनफेंग उसके हमले को आसानी से डॉज कर देता है, जिसको देख के उसके चेले कहने लगते ये कैसे हो सकता है। लिनफेंग शॉमिंग पे काउंटर अटैक करता है जिससे वो थोड़ा घायल हो जाता है। तो फिर शॉमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लिनफेंग पर टाइगर फिश टेक्निक इस्तेमाल करता है। ये देखकर शॉमिंग के चेले कहने लगते इस अटैक से पक्का शॉमिंग मारा जाएगा। फिर यूफी लिनफेंग को बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, पर लिनफेंग उसके पास जाके शॉमिंग के अटैक को रोक देता है और उसको उल्टा दूर फेंक देता है। ये सब देखकर शॉमिंग के चेले कहने लगते है कि लिनफेंग इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर लिनफेंग शॉमिंग के पास जाने लगता है, तभी पीछे से आवाज आता है कि तुम रुक जाओ। और हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे शायू और शॉमिंग का बड़ा भाई शाओई आ जाता है। शायू लिनफेंग के पास जाता है और कहता है कि तू ठीक है ना। शॉमिंग के चेले कहने लगते है शाओई को कि आप सही समय पे आए हो, अभी लिनफेंग को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो फिर शायू कहता है कि तू यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो शाओई कहता है कि मैं इसको कुछ नहीं करूंगा, मैं तो इसके टैलेंट को देख के बहुत सरप्राइज हो गया। शाओई कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तेरे जैसा कोई टैलेंट बच्चा यहाँ पे होगा। शाओई शॉमिंग को कहता है कि तू लिनफेंग से अभी माफी मांग। तो शॉमिंग कहता है कि मैं क्यों माफी मांगूं। फिर शाओई कहता है शॉमिंग को कि मैंने तुझे मोरो रिफाइनिंग पिल इसलिए दिया था क्योंकि तू अपने लेवल को इंक्रीज कर सके, इसलिए नहीं दूसरों को चोट पहुंचाए। तो शॉमिंग कहता है कि पर मुझे चोट लगी है अभी। शाओई कहता है कि अच्छा हुआ तुझे चोट लगी, वरना लिनफेंग को चोट लगी रहती तो टीचर तीन दाव छोड़ते नहीं और तुझे एकेडमी से बाहर निकाल देते। ये बात सुनकर शॉमिंग लिनफेंग से माफी मांगता है और वहाँ से चले जाता है। उन सभी को जाने के बाद शायू कहता है कि तू तो बहुत ज्यादा ही ताकतवर हो गया। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि लिनफेंग और शायू दोनों जन काम कर रहे होते हैं। शायू लिनफेंग से पूछते है कि तेरी कल्टीवेशन कैसी हो रही है। लिनफेंग बताता है कि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूं। तो शायू कहता है मुझे पता था तू कर लेगा। अब लिनफेंग शायू से पूछते है कि अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एक तालाब के उतना अब्सॉर्ब कर पाऊंगा तो क्या होगा। तो शायू बताता है कि अगर तुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एक तालाब के उतनी अब्सॉर्ब करनी है तो तुझे बहुत मेहनत करनी होगी और यहाँ तक टीचर लिनताओ ने भी नहीं कर पाए थे। और अगर तूने इस टेक्निक को सीख लिया तो तुझे इमोर्टल बॉडी मिल जाएगा जिससे तू अपनी कल्टीवेशन को और जल्दी इंक्रीज कर पाएगा। पर अगर तू इसमें असफल हुआ तो तेरी सारी मेहनत पानी में चले जाएगी। बहुत कम ही जन इस टेक्निक को सीख पाते हैं। और शायू बताता है कि टीचर लिनताओ ने मुझे कहा है कि अगर मैं इस टेक्निक को सीख जाता हूँ तो वो मुझे डेंगू डेनेसिटी के स्कूल में लेके जाएंगे जिससे मैं अपनी कल्टीवेशन को और जल्दी इंक्रीज कर सकूं। लिनफेंग बोलते हैं पर तूने ये कल्टीवेशन टेक्निक तो दो दिन पहले ही सीख लिया है, तो मुझे क्यों नहीं बताया। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।